नमस्कार, मैं पंकज, आप सबका स्वागत है द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स और बीबीसी 24x7 में। हम खड़े हैं होटल टूरिस्ट इन के मध्य में, जहाँ पे लाइंस क्लब ऑफ सिटीजन्स और क्राउन और साथ में उमंग परिवार जो है मुस्कुराहट, आज का शाम मुस्कुराहट के नाम इस थीम से इस प्रोग्राम को रखा है, जहाँ पे सर्व विद स्माइल उनका ये मोटो है और यह उनका स्लोगन है। तो आज उनका जो है इंस्टॉलेशन दिवस शपथ ग्रहण समारोह है। आइए इसी से जुड़ा हुआ हम तथ्यों को देखते हैं, चीज़ों को और स्पष्ट समझ के आप सबको दिखाते हैं। आप सबका दिन शुभ हो। भारत माता की जय। जय हिंद। हम लोग की बहुत सारी प्लानिंग्स है करने की, जैसे आज हम लोग का अभी तक पूरा परमानेंट प्रोजेक्ट चल रहा है सुई धागा होम्योपैथी सेंटर। सुई धागा में हम लोग ने लेडीज़ को आगे बढ़ने की कोशिश की है कि वो कुछ सीख के कुछ अपना काम करे, जिससे वो अपनी रोजी रोटी कमा सके और अपनी फैमिली को फुल सपोर्ट करने का मन है। जैसे हम लोग ने इस बार सोचा है कि एक यहाँ बागराकोट बोल के एक गाय की सेवा है, वहाँ हम लोग का मन है कि इस बार हम लोग वहाँ गाय की सेवा करें, क्योंकि वहाँ बहुत बीमार गायें रहती हैं, उनकी सेवा जल्दी से कोई नहीं करता। तो हमारा मन है कि इस पूरी साल हम लोग इस सेवा में सफलता मिले। बागराकोट में गौशाला है, वहाँ बीमार गायें रहती हैं, उनकी सेवा करने का हमारा पूरा मन है कि हम लोग मन है कि फुल ईयर हम लोग पूरा सपोर्ट करें। नमस्ते, मेरा नाम सनी लायन सनी अग्रवाल है। मैं क्लब लायन सिटीजन तरंग के और से हूँ। मैं अभी 2013 23 और 24 का प्रेसिडेंट बनने वाला हूँ।
हमारा क्लब काफ़ी नया क्लब है, हमें अभी बस 21 साल हुआ है, पर नया होने के कारण हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट है अंडर प्रिविलेज बच्चों को पढ़ाई की तरफ ज़्यादा प्रमोट करना, ज़्यादा उनको उनका हौसला अफजाई करना, जो हमने सक्सेसफुल किया है। अब आने वाले साल में हमारा प्रोजेक्ट ये है कि हम जो अंडर डेवलप्ड स्कूल्स है, गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं जिसमें रूम्स ठीक नहीं है, पढ़ने की फैसिलिटीज़ नहीं, उसको हम ज़्यादा उस पर जोर दे के उसको प्रमोट करना चाह रहे हैं इस साल। अगर आज हमारा शपथ ग्रहण समारोह है जिसमें हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि अब दूसरा साल है हमारे क्लब का, तो उसमें हमें किस किस और क्लब को लेके जाना है और क्या बेहतर कर पाएंगे। धन्यवाद। प्रेसिडेंट ऑफ लायंस सिलीगुड़ी सिटीजन्स, ये हमारा 27वां स्थापना दिवस है और आशा करते हैं कि इस साल भी हम लोग हर साल की तरह नई उपलब्धि हमारे क्लब के लिए हम हासिल करके दें। हमारा परमानेंट प्रोजेक्ट लायंस अमरपति सिटीजन्स लायंस पब्लिक स्कूल है जो कि भोलानाथ पाड़ा में है, उसमें हमारे 1500 से ऊपर बच्चे हैं। हम हर दिन नए हमारे बच्चे भी नए मुकाम हासिल करके दे रहे हैं और हमें इस बात की खुशी है। मैं आशा करता हूँ कि क्लब और ऊँचाइयों पे जाए और बस हमारा स्थापना समारोह है, इंस्टॉलेशन सेरेमनी चार्टर नाइट होता है ये हमारा, ये वार्षिक होता है, ये हमारा 27वां है, हमारे क्लब का 27वें हम प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे समय में शहरवासी को क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारा मोटो भी वी सर्व का है जी, तो हम यही बोलेंगे कि हम सर्व करते हैं, हम कम्युनिटी की तरफ हम बहुत मतलब ये ध्यान देते हैं, तो हम चाहते हैं कि लोग यही स्माइल करें और हमारा इस बार का डिस्ट्रिक्ट का लोगो यही है, सर्व विद स्माइल। यस यस। नमस्कार, मैं लाइन मनीषा सुलाना और आज यहाँ सिटीजन फैमिली का इंस्टॉलेशन होने जा रहा है मुस्कुराहट, क्योंकि आने वाले जो हमारे डीजी हैं उनका स्लोगन भी है सर्व विद स्माइल, तो मुस्कुराहट के साथ आज ही अपना टेन्योर स्टार्ट कर रहे हैं लाइन्स क्लब ऑफ सिलीगुड़ी सिटीजन, सिटीजन क्राउन और सिटीजन तरंग। तो पूरी सिटीजन फैमिली का आज ऑथ सेरेमनी और शायद ये तीनों ही प्रेसिडेंट बहुत एनर्जेटिक हैं, डायनेमिक हैं, तो शायद ये पूरे साल अपनी सेवाएं सिलीगुड़ी वासियों को देंगे और वो भी हंसते मुस्कुराते स्माइल के साथ। तो पूरी टीम को मेरी तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी सिलीगुड़ी वासियों और दर्शकों को भी यही उम्मीद कि आप हमेशा इनका साथ देते रहें ताकि ये सिलीगुड़ी वासियों को अपनी सेवाएं देते रहें। तीनों क्लबों के एक बार नाम बताएँ आप। लायंस क्लब ऑफ सिलीगुड़ी सिटीजन्स, लायंस क्लब ऑफ सिलीगुड़ी सिटीजन्स क्राउन, लायंस क्लब ऑफ सिलीगुड़ी सिटीजन्स तरंग। ये फैमिली क्लब है तो मतलब तीनों ही बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और ALCPS जो स्कूल चल रही है, जो आज नॉर्थ बंगाल में भी अपना दबदबा बना रखी है, वो भी लाइन्स क्लब सिलीगुड़ी सिटीजन्स ही चला रहा है। आज का प्रोग्राम का नाम जो मुस्कुराहट रखा गया है, इसका तात्पर्य क्या है? मुस्कुराहट, हंसते हुए। अगर आप किसी को सेवा दे रहे हो तो आपके मन में एक खुशी होनी चाहिए, एक भाव करुणा का होना चाहिए, और करुणा का भाव अगर आपके अंदर आएगा तो मुस्कुराहट आपके चेहरे पे जरूर आएगी। और हमारे जो अपकमिंग डीजी है सुरेश जी सिंगल, उन्होंने एक स्लोगन दिया है नेक्स्ट ईयर के लिए, सर्व विद स्माइल। अगर आप किसी को सर्व कर रहे हो तो स्माइल के साथ करो, दिल से करो, तो ये बहुत अच्छी बात लगती है कि हम किसी को अगर हेल्प कर रहे हैं या सर्विस दे रहे हैं तो स्माइल चेहरे पे बनी रहे, उससे वो खुशी दुगनी हो जाए। थैंक यू।